नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नए साल की रात को महिलाओं के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले ने पूरे देश की रूह को हिलाकर रख दिया है। अभिनेता आमिर खान ने इस मामले को बेहद शर्मनाक बताया और इसकी कड़ी निंदा की। आमिर ने कहा कि इस तरह के अपराध हमारे सिर को शर्म से झुका देते हैं। आमिर ने कहा, बेंगलुरु वाली घटना दुखी करने वाली है। इस तरह की घटनाओं को खत्म करने के लिए हमें और हर राज्य सरकार को सही कदम उठाने चाहिए और यह लगातार होना चाहिए। इस समस्या का कोई एक समाधान नहीं है। आमिर के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने का उचित समाधान यही है कि सख्त नियम बनाए जाएं और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। आमिर ने कहा, अगर अमेरिका में ऐसी घटना होती है तो 2 या 3 महीनों के अंदर दोषियों को सजा दे दी जाती है और केस बंद कर दिया जाता है। अगर यहाँ ऐसा होगा तो बदलाव जरूर आएगा। आज के वक्त में जो ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं का शोषण करने से कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जब उनके सामने इस तरह के उदाहरण होंगे तो वह इस तरह के अपराध करने से डरेंगे। आमिर के अलावा मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह इस घटना पर ध्यान दें और कोई बड़ा कदम उठाएं। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।